दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे प्राणी के बारे में जो केवल अपनी सुंदरता से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे लायनफिश के बारे में। लायनफिश, जिसे ड्रैगन फिश, स्कॉर्पियन फिश और टाइगर फिश के नाम से भी पहचाना जाता है, और पूरे दुनिया में लायनफिश के 10 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, और लायनफिश ज्यादातर पैसिफिक ओशन के ऊपर पाए जाते हैं। लायनफिश एक मांसाहारी प्राणी है जो सिर्फ मांस का ही सेवन करते हैं, और लायनफिश ज्यादातर स्मॉल फिश और क्रस्टेशियन को कंज्यूम करते हैं, और लायनफिश को एक कैनिबलिज्म एनिमल भी माना गया है, मतलब वह प्राणी जिसे समय पर खाना न मिलने पर अपने प्रजाति का शिकार करते हैं। और समुद्रों में लायनफिश का शिकार ज्यादातर ईल्स, ह्यूमंस और लार्ज फिश करते हैं। लायनफिश के पीठ पर 13 से भी ज्यादा प्रकार के जहर पाए जाते हैं। यदि वह जहर किसी इंसान में चले जाए तो उस इंसान को चक्कर आना, उल्टियां आना, बदन दर्द करना, इन चीजों से वह पीड़ित हो जाता है। लेकिन लायनफिश उन जहर का इस्तेमाल ज्यादातर अपने बचाव के लिए ही करते हैं। लायनफिश को एक डायर्नल एनिमल भी माना गया है, मतलब वह प्राणी जो दिन में सक्रिय रहता है और रात को सोता है। फीमेल लायनफिश, जिसका प्रेगनेंसी पीरियड तकरीबन 28 दिन का होता है, और ठीक 28 दिन के बाद वह तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा अंडे देती है, और ठीक 2 दिन के बाद उन अंडों में से बेबी फ्राई बाहर आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लायनफिश के साइज निर्भर करता है उनकी प्रजाति के ऊपर, और लायनफिश की सबसे छोटी साइज तकरीबन 2 इंच की होती है, और बड़ी साइज तकरीबन 16 इंच से भी ज्यादा होती है, और लायनफिश का वेट तकरीबन 900 ग्राम का होता है। और समुद्र में लायनफिश तकरीबन 15 साल से भी अधिक जी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।